let it hang, hang. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फैशन आरपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के डोनट्स, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे। चलें हम वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम दो एग्स लेंगे। इसमें हम 3/4 चीनी ऐड करेंगे। इसमें हम 3/4 चीनी ऐड करेंगे। जी ये 3/4 हो गई चीनी। अब इसमें 1/2 कप दूध, 1/2 कप को अच्छे से मिला लेंगे। चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेनी है इसके अंदर। अब हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। हमने 1/4 कप में नीम गर्म पानी लिया है। अब हमें इसमें 1 टीस्पून ईस्ट मिक्स करेंगे। इंस्टेंट ईस्ट 1 टीस्पून। इसको हम अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड पे। हाँ जी, मैंने एक बॉल में 1/2 किलो आटा लिया है, ये तकरीबन 500 ग्राम है। अब मैंने इसमें 100 ग्राम ऑयल लिया है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका आटा जितना अच्छा मिक्स होगा आपके डोनट उतने ही अच्छे बनेंगे। इस मैदे और ऑयल को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना हाथों की मदद से ऐसे। अब हमारा मैदा और ऑयल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें ईस्ट डालेंगे जो हमने पानी में मिक्स करके रखी थी, और साथ हमने जो घोल बना के रखा था वो भी डालते जाएंगे आराम आराम से और मिक्स करते जाएंगे। आपने आटे को सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है। जितना ही सॉफ्ट होगा उतने ही आपके सॉफ्ट बनेंगे डोनट। इसका आटा गूंदने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर ये आपका आटा अच्छे से गूंदा जाएगा तो आपके डोनट इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बनेंगे। हमने आटे को सॉफ्ट ही रखना है। तकरीबन 10 मिनट आपने अच्छे से गूंद लेना है इसको। डो को मैंने 8 से 7 मिनट अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। हम इसे कवर कर लेंगे जब तक ये आटा डबल नहीं हो जाता, राइस नहीं हो जाता। हमारी डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। इसको हम अब निकाल लेंगे। हमने काउंटर पे ड्राई आटा फैला लिया। अब हम इसको
आप इसको काउंटर पे हिला लेंगे। हम बेलने की मदद से इसको खिला लेंगे। थोड़ा और खिला लेंगे। मैं फिर आपको बताती हूँ कि हमने कितना इसको मोटा रखना है। ये हमने इतना मोटा रखना है इसको, ये देखिए। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप उसे कट कर सकते हैं। मेरे पास ये रिंग है, मैं इसे इसकी मदद से कट करूंगी इसको। ऐसे साथ साथ हम इनको कट करते जाएंगे। और मेरे पास इस तरह से छोटा सा रिंग है, हम दरमियान से डोनट शेप दे देंगे। अब हमने डोनट्स को किसी ट्रे में निकाला है, इसको हम कवर करके रख देंगे और 20 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम अपनी चॉकलेट तैयार करते हैं। हल्का ही रखना है, हमें ज़्यादा हमको ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे राइस होने शुरू हो गए हैं। 20 सेकंड आपने एक साइड से फ्राई करना है और 20 सेकंड दूसरी साइड से। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल रखना है, डोनट बहुत जल्दी डार्क कलर में आ जाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इसका डार्क कलर नहीं आए। आपने फ्लेम बिल्कुल सही रखना है, इतना ज़्यादा आपका ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। 20 सेकंड के लिए दूसरी साइड पे भी हम फ्राई करेंगे और फिर इनको निकाल लेंगे और बहुत हल्के हाथों से निकालेंगे। ये प्रेस हो के, मतलब ज़्यादा प्रेस नहीं कीजिएगा ताकि इनकी फ्लफीनेस है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये जितने फ्लफी होते हैं उतने ही मज़े के लगते हैं। ऐसे आराम आराम से हम निकाल लेंगे। अब हम अपने डोनट्स को ठंडा कर लेंगे। अच्छा, एक और बात करनी थी कि मैंने जब डो गूंथते हुए इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट भी डाला था। एक पैन में मैंने हाफ कप दूध लिया है। इसमें 2 टीस्पून मैं कोको पाउडर ऐड कर दूंगी। इसको हम चम्मच से अच्छी तरीके से हिला लेंगे। और साथ ही इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें मैं 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दूंगी। ओहो, चीनी सारी। साथ ही इसमें 2 चम्मच मैं मक्खन भी ऐड कर दूंगी। इसको हम थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, इसमें मैं 100 ग्राम चॉकलेट भी ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है। इसको हम मेल्ट कर लेंगे। अब हम
फ्लेम बंद कर देंगे। मेरी चॉकलेट सॉस रेडी है, अब इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी मैं। अब हम एक एक करके तमाम डोनट्स पे चॉकलेट लगाते जाएंगे और ऐसे रखते जाएंगे। चॉकलेट भी हमारी ठंडी होनी चाहिए और डोनट्स भी, तभी ये स्टे कर पाएगी चॉकलेट इस पर। ऐसे हम लगा रखते जाएंगे। इसी तरह हम तमाम डोनट्स पे चॉकलेट लगा लेंगे। अब हम किसी डोनट पे चॉकलेट चिप लगा लेंगे। हम वाइट चॉकलेट चिप यूज करेंगे इसके लिए। और किसी पे हम स्प्रिंकल कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से इसकी सजावट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। ये हमारे बहुत ही मज़े के डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।